हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो पील ऑफ मास्क जो कि हैं वर्यूथ से। तो मेरे पास इनकी दोनों ही वेरिएंट्स हैं। इन दोनों के इंडिविजुअल रिव्यूज़ भी मैंने किए हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज मेरे पास है वर्यूथ नेचुरल्स एडवांस्ड गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क 15 मिनट रेडियंस विथ 24 कैरेट गोल्ड पील ऑफ नेचुरली ग्लोइंग स्किन। और जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है वो है वर्यूथ नेचुरल्स नेचुरल ग्लो ऑरेंज पील ऑफ मास्क होम फेशियल फाइट स्टैन। तो आप देख सकते हैं इस तरह के ट्यूब पैकेजिंग में आते हैं। ये पैकेजिंग दोनों की ही काफ़ी अच्छी है। प्राइस की बात कर लेते हैं इसकी, तो इसकी प्राइस है 115 रुपये और प्रोडक्ट क्वांटिटी 90 ग्राम है इसकी। और जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है ये है 70 रुपीज़ का और इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है 50 ग्राम। और शेल्फ लाइफ दोनों की ही 3-3 साल मिलती है हमें। इसके इंग्रीडियंट्स अगर अभी मेंशन किए गए हैं, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। और यहाँ पर भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेंशन किए गए हैं, डायरेक्शंस वगैरह सब कुछ मेंशन है इस पर। इस पर लिखा है न्यू एडवांस फॉर्मूला लुक योर बेस्ट फॉर एवरी ओकेजन विथ न्यू वर्यूथ नेचुरल्स एडवांस गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क। इट्स अ होम फेशियल विथ 24 कैरेट गोल्ड कोलाजन बूस्टर्स एंड ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट। इट वर्क्स वंडर्स ऑन योर स्किन। इट पील्स अवे डेड स्किन सेल्स एंड डर्ट फ्रॉम विद इन द स्किन पोर्स। स्टिमुलेट्स ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई एंड हेल्प्स इन बूस्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन। इन जस्ट 15 मिनट्स गेट नेचुरल फेयरनेस विद अ गोल्डन ग्लो। और डायरेक्शंस भी दिए हुए हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। और यहाँ पर भी इसके ऊपर मेंशन किया गया है न्यू एडवांस फार्मूला न्यू वर्यूथ नेचुरल्स ऑरेंज पील ऑफ मास्क इज़ अ होम फेशियल विथ ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट एंड नैनो मल्टीविटा। इट्स 3-स्टेप एक्शन पील्स अवे डर्ट ग्राइम एंड बैक्टीरिया फ्रॉम विद इन द स्किन पोर्स टू क्लिनजेस द स्किन एंड हेल्प्स फाइट टैनिंग। Stimulates blood circulation and oxygen supply to tone the skin. Moisturizes to restore the natural health and vitality of the skin. The skin is cleansed, toned and moisturized to look radiant with instant brightness. और डायरेक्शंस भी दिए हुए हैं किसे कैसे इस्तेमाल करना है। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ऑफलाइन मिल जाएंगे। और इन दोनों ही आपको 15 रुपीज़ का एक सैशे भी मिल जाएगा। अगर आप ट्रायल के हिसाब से चाहो तो वो भी परचेज कर सकते हो। इन दोनों की अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है ये। आप देख सकते हैं बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है इन दोनों में। आप देख सकते हैं इसमें गोल्डन कलर के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे और ये बिल्कुल प्लेन है। इसे इस्तेमाल करने के बाद ना आपका फेस इंस्टेंटली ग्लो करने लगेगा। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल आपने फेशियल करवा के ही आया हो। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स वैसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और अफोर्डेबल भी है। अगर आपको जल्दी में कहीं जाना है और फेशियल कराने का वक्त नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपको फेशियल कराने जितनी झंझट मारी करना नहीं है और टाइम भी आपके पास कम है, तो उसके लिए ये बहुत ही काम में आने वाली चीज़ें हैं और बहुत ही आसान है। बस 15 मिनट में ही आपको इंस्टेंटली ग्लोइंग स्किन मिल जाती है। ज़्यादा कुछ झंझट मारी भी नहीं होती, बस आप इसे अप्लाई कीजिए, 15 मिनट रहने दीजिए और बस रिमूव कर लीजिए। बहुत ही आसान होता है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। पर मैं आपको बता दूं कि ये पैराबिन फ्री नहीं है, इन दोनों में ही पैराबिन इस्तेमाल किए गए हैं। तो अगर आप पैराबिन वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप बिल्कुल भी इसे इस्तेमाल ना करें। ये दोनों ही प्रोडक्ट वैसे काम तो बहुत अच्छा करते हैं पर इनकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अप्लाई करने के बाद ना बहुत ज़्यादा इरीटेट करती है वो, बहुत ही ज़्यादा मुझे स्ट्रांग लगती है। मुझे तो पसंद नहीं आती, हो सकता है आपको पसंद आए। और रही बात की काम कैसा करते हैं, ये दोनों ही बहुत ही अच्छा काम करते हैं। आपकी स्किन इंस्टेंटली ग्लो करने लगती है, जितनी भी इंप्योरिटीज़ है, डेड स्किन सेल्स है, सब को ये रिमूव कर देते हैं। दोनों ही सेम काम करते हैं बिल्कुल, मुझे इतना कुछ खास डिफरेंस नजर नहीं आया, दोनों ही सेम ही है लगभग। पर ये क्लेम करता है कि ये आपके टैन को भी कम करेगा, तो थोड़ा बहुत करता है ये पर ज्यादा नहीं करता। मुझे इतना कुछ खास डिफरेंस नजर नहीं आया, दोनों ही सेम ही काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। कुछ हद तक व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को भी रिमूव कर देते हैं। पर अगर आप स्टीम लेने की बात करोगे तो आपको ज्यादा अच्छी रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि आपके जो पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ईजीली आपके स्किन से पोर्स से गंदगी जो है वो बाहर निकल जाती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप अगर स्टीम लेने के बाद इन्हें इस्तेमाल करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना उनको तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी। हो सकता है आपके फेस पर रैशेज जैसे आ जाए इसको अप्लाई करने के बाद, पर अगर आपको आदत है, आप इस्तेमाल करते हो इसे, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी आपको अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है। तो इन्हें ना अप्लाई करने के बाद फेस पर हल्की सी चनचनाहट होती है, तो आपको थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। वैसे थोड़ी देर के बाद वो चली जाती है पर अप्लाई करते से ही थोड़ी सी फील होती है, और फ्रेग्रेंस भी इसकी अप्लाई करते टाइम थोड़ी सी इरिटेट करती है, मुझे करती है।
आई डोंट नो, शायद आपको पसंद आए। अगर आपको बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर्स है ना तो आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी मैं, क्योंकि इसे रिमूव करते टाइम ना बहुत तकलीफ होती है। छोटे मोटे अगर आपको फेशियल हेयर्स है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, इससे छोटे मोटे आपके जो फेशियल हेयर्स है वो भी निकल जाएगी। पिंपल्स है अगर आपके फेस पर तब भी आप इसे इस्तेमाल ना करें, हो सकता है कि आपको और भी ज़्यादा इरिटेशन हो इससे। और अप्लाई करने का तरीका तो बिल्कुल आसान है, आप पहले अपना फेस अच्छे से वॉश कर लें, इसके बाद पैड ड्राई करें और इसके बाद एक इवन लेयर अपने फेस पर अप्लाई करें, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। अगर बहुत ज़्यादा पतली लगाओगे आप तो ये बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगा मास्क की तरह। अगर थोड़ी मोटी रहेगी तो चलेगा, थोड़ा ड्राई होने में टाइम लगेगा पर वो मास्क की तरह अच्छे से निकल जाएगा। और अपवर्ड डायरेक्शन में आप इसे अपने फेस पर अप्लाई करें और 15 से 20 मिनट तक रहने दें जब तक ये ड्राई हो जाए, और उसके बाद अपने फोरहेड की तरफ से इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिर रिमूव कर लें। पूरी तरह से मास्क की तरह निकल जाता है, बहुत फ्रेश फील होने लगता है इससे। आप इसे वीक में 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, पर आप ध्यान रखिए कि इनमें दोनों में ही पैराबेन्स इस्तेमाल किए गए हैं, बस यही इसका एक ड्रॉबैक है, बाकी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही जगह आराम से मिल जाएगा, और ऑनलाइन तो अगर आप इन्हें परचेस करोगे तो आपको और भी डिस्काउंट पर मिल जाएगा, तो एक बार आप इसे ऑनलाइन ज़रूर चेक कर लें। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप और भी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी उस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।